कंप्लीट होता है फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन। सेकंड कॉम्प्लिकेशन की अपन बात कर लेते हैं हाइपोकैल्शिमिया। किसकी बात कर लेते हैं बच्चों? हाइपोकैल्शिमिया की अपन बात कर लेते हैं। सेकेंड वन इज द हाइपो कैल्शिमिया। यदि बात करके चले इस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन दिस कंडीशन। या अपन बोल सकते कॉम्प्लिकेशन सीन डिक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम। यदि बात करके चले बच्चों नॉर्मल लेवल कैल्शियम के नॉर्मल लेवल की अगर बात कर ली जाए तो कितना होगा बच्चों? नॉर्मल लेवल 8.62 11 mg per dl। 8.62 11 mg per dl क्या रहेगा बच्चों? कैल्शियम का नॉर्मल लेवल। बट कौन से कंडीशन के अंदर? हाइपोकैल्शिमिया के अंदर क्या देखने को मिलेगा? डिक्रीज देखने को मिलेगा लेवल। कितने से कम बच्चों? इन दिस कंडीशन कैल्शियम लेवल will be less than 8.6 mg per dl। कितने से कम बच्चों? 8.6 mg per dl से कम देखने को मिलेगा। किसका लेवल? कैल्शियम का लेवल। कौन से कंडीशन के अंदर? ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन के अंदर अपन बात करके चल रहे हैं। अपन बात कर रहे हैं बच्चों कौन सी कंडीशन? हाइपोकैल्शिमिया। नेक्स्ट में यदि बात कर ली जाए कॉज की, जिसकी बात करके चले बच्चों कॉज की यदि बात कर ली जाए तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहने वाला है बच्चों? सिट्रेट बाइंड द कैल्शियम and reduce the function of calcium। यदि बात करके चले कौन सी कंडीशन के अंदर? हाइपोकैल्शिमिया के अंदर यदि बात कर लिया सिट्रेट। क्या है बच्चों? सिट्रेट एंटीकोगुलेंट है। और क्या रखता है बच्चों? बाइंड करके रखता है कैल्शियम को। किसको? कैल्शियम को बाइंड करके रखता है। बाइंड रहे यदि बात कर ली जाए तो कैल्शियम बाइंड होगा तो क्या होंगे जो फंक्शन होंगे कैल्शियम के, वो क्या देखने को मिलेंगे? कम देखने को मिलेंगे। और उसी कारण कौन सी डिजीज कंडीशन अक्कर होगी? हाइपोकैल्शिमिया। क्या देखने को मिलेगी? कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम।
नेक्स्ट में अपन बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे हाइपोकैल्शियमिया के अंदर, कौन सी कंडीशन के अंदर बच्चों, हाइपोकैल्शियम। यदि बात कर ली जाए मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सी होगी बच्चों, हाइपोकैल्शियमिया, कौन सी होगी बच्चों, हाइपोकैल्शियमिया इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। मोस्ट कॉमन कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यदि बात करके चले बच्चों ब्लड ट्रांसफ्यूजन की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, हाइपोकैल्शियमिया, हाइपोकैल्शियमिया। नेक्स्ट में यदि बात कर ली जाए साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स, यदि बात करके चले साइन एंड सिम्टम्स की यदि बात कर ली जाए बच्चों तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे किसके अंदर, हाइपोकैल्शियमिया के अंदर। सबसे पहले सीजर, क्या देखने को मिलेगा बच्चों, सीजर्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट में यदि बात कर ली जाए मसल स्पाजम, मसल स्पाजम। नेक्स्ट वन यदि बात करके चले बच्चों कौन सा साइन देखने को मिल सकता है, थर्ड वन इज दैट ट्राउजर से साइन। नेक्स्ट वन इज द चेवेस्टिक साइन, चेवेस्टिक साइन। यदि बात करके चले बच्चों ट्राउजर साइन क्या होगा, मसल स्पाजम अक्कर, मसल स्पाजम अक्कर इन द, अक्कर इन द फोरआर्म, मसल स्पाजम अक्कर इन द फोरआर्म ऑफ हैंड, फोरआर्म ऑफ हैंड। नेक्स्ट में यदि बात कर ली जाए स्वेस्टिक साइन, स्पाजम अक्कर इन द, स्पाजम अक्कर इन द फेशियल मसल, इन द फेशियल मसल। यदि बात करके चले फेशियल मसल्स के अंदर भी कहां पर बच्चों, मोस्ट कॉमन चीक। यदि बात करके चले टोटल कितने साइन, मोस्ट कॉमन फोर साइन देखने को मिलेंगे बच्चों हाइपोकैल्शियमिया की कंडीशन के, कौन सी कंडीशन के अंदर, हाइपोकैल्शियमिया के अंदर। सबसे पहले क्या बच्चों, सीजर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट मसल स्पाजम, कौन सा साइन देखने को मिलेगा बच्चों, मसल स्पाजम, जो मसल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्पाजम होंगे। और कौन सा साइन देखने को मिलेगा बच्चों, ट्राउजर साइन, ट्राउजर साइन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो स्पाजम होगा अक्कर होगा फोर आर्म ऑफ हैंड, फोर आर्म ऑफ हैंड, जो फोर आर्म मसल होंगी हैंड की, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा बच्चों, स्पाजम देखने को मिलेगा। इसी को क्या बोल जाता है बच्चों, ट्राउजर साइन। नेक्स्ट में चेवेस्टिक साइन, चेवेस्टिक साइन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, स्पाजम अक्कर इन द फेशियल मसल, जो फेस की मसल्स होंगे उनके अंदर क्या देखने को मिलेगा बच्चों, स्पाजम देखने को मिलेगा। और मोस्ट कॉमन फेस के ऊपर भी कौन सी, चीक्स मसल, चीक्स के ऊपर क्या देखने को मिलेगा बच्चों, स्पाजम देखने को मिलेगा। यदि बात कर ली जाए बेस्ट टाइम असेसमेंट ऑफ ए ट्राउजर साइन, यदि बात कर ली जाए नर्स, ए नर्स, ए नर्स आइडेंटिफाई द, ए नर्स आइडेंटिफाई द एक्यूरेसी ऑफ, एक्यूरेसी ऑफ ट्राउजर साइन, साइन
यदि बात करके चले किसकी बात करें बच्चों, नर्स की बात करें, नर्स कब आइडेंटिफाई करेगी एक्यूरेट आइडेंटिफाई किसको बच्चों, ट्राउजर्स एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ए बीपी असेसमेंट, कब बच्चों, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बीपी असेसमेंट। यदि बात करके चले बच्चों कब बच्चों, जब ब्लड प्रेशर क्या कर रहे हो बच्चों, असेसमेंट कर रहे हो, उस टाइम पे एक नर्स क्या कर सकती है बच्चों, आइडेंटिफाई करेगी एक्यूरेसी ट्राउजर साइन का पता कब लग सकता है बच्चों, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ए बीपी असेसमेंट करते टाइम, ब्लड प्रेशर को असेस करते टाइम क्या देखने को मिलेगा बच्चों, जो फोर आर्म मसल होंगे उसके अंदर स्पाजम क्रिएट होगा। क्या होगा? स्पाजम क्रिएट होगा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं मैनेजमेंट, किसकी बात कर लेते हैं मैनेजमेंट। अभी तक अपन ने बात की हाइपोकैल्शियमिया के अंदर क्या देखने को मिलेगा, तो कैल्शियम का लेवल लेस देन 8.5 mg पर डीएल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन ने बात की बच्चों किस कारण कौन का कारण होगा जिसके कारण हाइपोकैल्शियमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, सिट्रेट। क्या होगा बच्चों? सिट्रेट होगा, बाइंड करेगा कैल्शियम को और फंक्शन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा कैल्शियम के किसके अंदर, ब्लड के अंदर। यदि बात करके चले मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, यदि बात करें हाइपोकैल्शियम क्या रहेगी बच्चों, हाइपोकैल्शियमिया। यदि साइन एंड सिम्टम्स की बात करके चले सीजर्स देखने को मिलेंगे, मसल स्पाजम देखने को मिलेगी, ट्राउजर साइन थोरैसिक साइन देखने को मिलेगा। साथ के साथ ही अगर बात कर ली जाए, अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन मैनेजमेंट, किसकी बात कर लेते हैं बच्चों मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ ए हाइपोकैल्शियमिया, सबसे पहले क्या करना है बच्चों, स्लो द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्लो करेंगे। आफ्टर डेथ इन्फॉर्म द इन्फॉर्म द फिजिशियन, फिजिशियन प्रिस्क्राइब्ड कैल्शियम प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन फॉर हाइपोकैल्शियमिया। यदि बात कर ली जाए हाइपोकैल्शियमिया के लिए क्या प्रोवाइड करेगा बच्चों प्रिस्क्राइब, एग्जांपल के अंदर बात कर ली जाए कैल्शियम ग्लूकोनेट के अमाउंट की बात कर ली जाए 1 ml प्लस 10 ml NH। क्या करना है बच्चों, 1 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट 1 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट को किसके अंदर बच्चों, 10 ml NH के अंदर, 10 ml NH के अंदर क्या करना है बच्चों, डिसॉल्व करना है। आफ्टर डेट पुश स्लोली
पुश स्लोली इन 100 ml ब्लड, इन 100 ml ब्लड। यदि बात कर ली जाए बच्चों टोटल कितने ml के, 100 ml ब्लड, 100 ml ब्लड को क्या करना है बच्चों, कितना बच्चों 1 ml तो कैल्शियम ग्लूकोनेट लेना है, 10 ml क्या लेना बच्चों NH, और क्या करना है पुश करना है किसके अंदर, 100 ml ब्लड के अंदर, कौन सी कंडीशन से रिलीव दिलाने के लिए, इन द कंडीशन ऑफ हाइपोकैल्शियमिया की कंडीशन के अंदर क्या करना है बच्चों, 1 ml तो किसका यूज करना है, कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml NS, और किसके अंदर पुश कर देना है स्लोली 100 ml ब्लड, 100 ml ब्लड के अंदर। नेक्स्ट यदि अपन बात कर ली जाए प्रिवेंशन की, अगर बात करके चले तो क्या करना है बच्चों, चेक द सीरम कैल्शियम लेवल फ्रॉम, प्रिवेंशन की इधर बात कर ली जाए, चेक द सीरम कैल्शियम लेवल, सीरम कैल्शियम लेवल बिफोर प्रोसीजर and if any abnormality in it then treated it। यदि बात करके चले बच्चों प्रिवेंशन की, तो सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है सीरम कैल्शियम लेवल नॉर्मल कितना होता है बच्चों, 8.5 to 11 mg per dl बिफोर प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले चेक करना है बच्चों सीरम कैल्शियम लेवल, और क्या करना है किसी भी प्रकार की कोई भी एबनॉर्मलिटी यदि प्रेजेंट देखने को मिलती है तो उसे ट्रीटेड करना है, ठीक करना है। यही क्या होता है बच्चों हाइपोकैल्शियमिया की मैनेजमेंट विद प्रिवेंशन। मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले स्लो करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन को, इन्फॉर्म करके चलेंगे फिजिशियन को, फिजिशियन प्रिस्क्राइब करेगा मेडिसिन फॉर हाइपोकैल्शियमिया, कैल्शियम ग्लूकोनेट यदि बात कर लिया 1 ml तो कैल्शियम ग्लूकोनेट प्लस 10 ml नॉर्मल सलाइन किसके लिए बच्चों, 400 ml ब्लड ओनली एंड ओनली किसके लिए, 100 ml ब्लड के लिए कितना लेना बच्चों 1 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट और 10 ml NS के अंदर क्या कर लेना बच्चों, डाइल्यूट कर लेना है। और नेक्स्ट वन अपन बात करने वाले हैं हाइपरकैलेमिया। In this condition, increase the level of potassium। यदि बात कर ली जाए normal level of potassium
3.5 to 5.1 मिली इक्विलेंट पर लीटर। यदि बात कर ली जाए बच्चों, किसकी बात करें अपन, हाइपरकैलेमिया, कौन सी कॉम्प्लिकेशन की बात करके चल रहे हैं बच्चों, हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज द लेवल ऑफ ए पोटासियम, पोटासियम का लेवल क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। यदि बात कर ली जाए नॉर्मल लेवल ऑफ पोटासियम, पोटासियम के नॉर्मल लेवल की अगर बात करके चले तो 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर क्या है बच्चों, पोटासियम का लेवल है। यदि बात कर ली जाए कॉजेज, तो कॉजेज क्या क्या होंगे बच्चों, कौन सा कारण हो सकता है, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ब्लड सेल इनटू द ब्लड, इनटू द ब्लड। यदि बात कर ली जाए ब्लड के अंदर आरबीसी का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, रेड ब्लड सेल का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा बच्चों, पोटासियम का लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, पोटासियम का लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा। यदि बात कर ली जाए नेक्स्ट वन अपन बात करके चले, क्या देखने को मिलता है, 30% आरबीसी, 30% रेड ब्लड सेल ब्रेकडाउन इनटू द 30% आरबीसी ब्रेकडाउन इनटू द ब्लड, ब्लड ऑन 21 days ओल्ड ब्लड, ओल्ड ब्लड। यदि बात करके चले बच्चों कितने परसेंट है, 30% कितनी बच्चों, 30% डिस्ट्रक्शन हो जाती है ब्लड के अंदर, इनटू द ब्लड इफ 21 days, इफ 21 days ओल्ड ब्लड स्टोरेज, कितने दिन से ज़्यादा बच्चों, 21 days से ज़्यादा, 21 दिन से ज़्यादा अगर क्या है बच्चों, ब्लड स्टोरेज है ब्लड बैंक के अंदर, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, तो 30% आरबीसी होंगी, रेड ब्लड सेल होंगी, वह ब्रेकडाउन होंगे, और ब्रेकडाउन होने के कारण क्या होगा, कैलेमिया उससे क्या होगा, रिलीज होगा, पोटासियम रिलीज होगा, और पोटासियम रिलीज होने से क्या होगा बच्चों, इंक्रीज द लेवल ऑफ ए पोटासियम, किसका लेवल बढ़ेगा, पोटासियम का लेवल बढ़ेगा कितने से ज़्यादा, इन दिस कंडीशन कंडीशन इंक्रीज द लेवल ऑफ पोटासियम मोर देन 5.1 mg per dl, मोर देन 5.1 mg per dl से ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, पोटासियम का लेवल देखने को मिलेगा, कौन सी कंडीशन के अंदर, हाइपरकैलेमिया के अंदर। कोज क्या होगा बच्चों, ब्रेकडाउन होगी आरबीसी, किसके अंदर, ब्लड के अंदर, कितनी 30% आरबीसी ब्रेकडाउन हो जाती है ब्लड के अंदर, कब बच्चों, यदि ब्लड स्टोरेज हो मोर देन 21 डेज। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते बच्चों साइन एंड सिम्टम्स, यदि बात करके चले कौन सी कंडीशन के अंदर है, रीनल फेलियर वाले पेशेंट के अंदर है, हमेशा कैसे बच्चों आप फ्रेश ब्लड क्या करना चाहिए, ट्रांसफ्यूज करना चाहिए, नोट करके स्टार लगा के नोट करना बच्चों, इन द केस ऑफ renal failure patient always use fresh blood
यदि बात करके चले कौन से केस के अंदर, यदि क्या है बच्चों, रीनल फेलियर, रीनल मीन्स किडनी, क्या बच्चों किडनी फेलियर का कोई पेशेंट है तो उसके अंदर एक्यूट भी आ सकता है या क्रॉनिक, दोनों कंडीशंस के अंदर हमेशा कैसा ब्लड यूज करना चाहिए, ट्रांसफ्यूजन करते टाइम ना केस ऑफ रीनल फेलियर पेशेंट यूज है फ्रेश ब्लड फॉर ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते टाइम कैसा ब्लड यूज करेंगे बच्चों, फ्रेश ब्लड। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स, क्योंकि बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स। यदि बात करके चले साइन एंड सिम्टम्स की यदि बात कर ली जाए बच्चों, सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट वन एरिथमिया, यदि बात करके चले एरिथमिया क्या होगा, इरेगुलरिटी इन द हार्ट बीट, इरेगुलरिटी इरेगुलरिटी इन द हार्ट बीट, हार्ट बीट के अंदर क्या प्रेजेंट होना बच्चों, इरेगुलरिटी प्रेजेंट होना, इरेगुलरिटी प्रेजेंट होना उसे क्या बोला जाएगा, एरिथमिया। और कौन सी कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा, हाइपरकैलेमिया, जब पोटासियम का लेवल क्या हो बच्चों, ज्यादा हो सीरम के अंदर, सीरम पोटासियम लेवल ज्यादा हो तो उस कंडीशन के अंदर कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, एरिथमिया। सेकेंड वन यदि बात करके चले डायरिया, डायरिया एब्डोमिनल क्रैम्प्स, एब्डोमिनल क्रैम्प्स। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए पैराथेसिया, लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन या अपन बोल सकते हैं एबनॉर्मल सेंसेशन, एबनॉर्मल सेंसेशन। यदि बात करके चले बच्चों पैराथेसिया, किसके अंदर पैराथेसिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, कौन सी कंडीशन के अंदर, हाइपरकैलेमिया के अंदर पैराथेसिया क्या होगा, एबनॉर्मल सेंसेशन या अपन बोल सकते हैं लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन। यदि बात कर ली जाए एब्डोमिनल क्रैम्प्स, क्रैम्प्स क्या होते हैं बच्चों, मरोड़े, क्या होते हैं बच्चों, हिंदी के अंदर यदि बात कर ली जाए मरोड़े। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए डायरिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, एरिथमिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है, इरेगुलरिटी देखने को मिल सकती है हार्ट रेट के अंदर, किसके अंदर बच्चों, हार्ट रेट के अंदर क्या देखने को मिल सकती है, इरेगुलरिटी इन द हार्ट रेट, इरेगुलरिटी प्रेजेंट इन द हार्ट रेट। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले प्रिवेंशन, किसकी बात कर ली जाए बच्चों, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन। यदि बात करके चले प्रिवेंशन के अंदर यदि बात कर ले जाए चेकता, चेकता सीरम पोटासियम लेवल, सीरम पोटासियम लेवल, लेवल बिफोर द प्रोसीजर, बिफोर द प्रोसीजर इफ एनी टाइप ऑफ, इफ एनी टाइप ऑफ एबनॉर्मेलिटी, इफ एनी टाइप ऑफ एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट इन द, प्रेजेंट इन द, एनी टाइप ऑफ एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट इन द सीरम पोटासियम लेवल,
सीरम पोटासियम लेवल लेवल देन ट्रीटेड इट देन ट्रीटेड इट। यदि बात करके चले बच्चों प्रिवेंशन किसकी बात कर ले जाए, प्रिवेंशन किसकी, प्रिवेंशन की बात करें अपन हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया यदि क्या देखने को मिले, प्रिवेंशन की अगर बात कर ली जाए तो सबसे पहले क्या करना है, सीरम पोटासियम का लेवल चेक करना, सीरम पोटासियम का लेवल चेक करना है। यदि बात कर ली जाए कब चेक करके चलेंगे बच्चों, बिफोर द प्रोसीजर, बिफोर द प्रोसीजर इफ एनी टाइप ऑफ एबनॉर्मेलिटी, यदि किसी भी प्रकार की कोई भी एबनॉर्मेलिटी क्या होती है, प्रेजेंट होती है, देखने को मिलती है, तो उसके अंदर क्या करके चलेंगे बच्चों, इन सीरम पोटासियम लेवल देन ट्रीटेड। यदि बात कर ली जाए, यदि नॉर्मल लेवल की बात की थी बच्चों स्टार्टिंग के अंदर ही, नॉर्मल लेवल की बात दोबारा कर लेते हैं, नॉर्मल लेवल कितना रहने वाला है बच्चों, 3.5 to 5.1 मिली इक्विलेंट पर लीटर। यदि बात कर ली जाए या तो 3.5 से कम देखने को मिले या ज्यादा देखने को मिले 5.1 से, तो क्या होंगी, दोनों के दोनों किसके अंदर काउंट होंगे बच्चों, एबनॉर्मेलिटी के अंदर। तो हमेशा क्या रखना है, प्रिवेंशन के लिए चेक करके चलना है। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले मैनेजमेंट, किसकी बात कर ली जाए, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर यदि बात करके चले सबसे पहले क्या करना है, स्लो द ब्लड ट्रांसफ्यूजन inform to the doctor या अपन बोल सकते हैं physician, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड एंटीडोट ऑफ पोटासियम यदि बात करके चले बच्चों, एंटीडोट के रूप में डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब कर सकता है, एग्जाम्पल इंसुलिन प्लस 50% डेक्सट्रोज। सेकेंड वन यदि अपन बात करके चले बच्चों, केग्जिलेट क्या होता है बच्चों, एनीमा होता है, जिसको रेक्टम के द्वारा क्या करते हैं बच्चों, इंट्रोड्यूस करते हैं। यदि केग्जिलेट के अंदर सोल्ट की बात कर ली जाए, सोडियम पोलिस्ट्रेट क्या होता है बच्चों, सोल्ट प्रेजेंट होता है किसके अंदर, केग्जिलेट के अंदर। यह क्या होता है बच्चों, इट इज पोटासियम बाइंडर। यदि बात करके चले बच्चों, मोस्ट एक्यूरेट मेडिसिन फॉर हाइपरकैलेमिया
कंडीशन। तो क्या आंसर देना है बच्चों, के एक्जिलेट। यदि बात कर ली जाए फास्टली, किसकी बात कर ली जाए फास्टली मैनेजमेंट की या ट्रीटमेंट की बात कर ली जाए तो क्या होगा, इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज, इंसुलिन प्लस 50% डेक्सट्रोज फास्टली रिलीफ फ्रॉम हाइपरकैलेमिया कंडीशन। तो क्या यूज करके चलेंगे बच्चों, इंसुलिन प्लस 50% डेक्सट्रोज। यदि बात कर ली जाए क्या बच्चों, मैनेजमेंट। सबसे पहले तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन को क्या करना है, स्लो कर देना है। इन्फॉर्म करेगी एक नर्स किसको, डॉक्टर या फिजिशियन को। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा एंटीडोट ऑफ पोटासियम, एंटीडोट ऑफ पोटासियम। यदि बात कर ली जाए मोस्ट कॉमन एंटीडोट की यदि बात करके चले, अपन यूज कर सकते हैं इंसुलिन प्लस 50% डेक्सट्रोज भी यूज कर सकते हैं और केक्जिलेट भी यूज कर सकते हैं। केक्जिलेट किस फॉर्म में आता बच्चों, एनिमा की फॉर्म में। किसके अंदर, एनिमाई फॉर्म में। यदि सोल्ट की बात कर ली जाए सोडियम पॉलीस्ट्रेट। यदि बात कर ली जाए मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल मेथड, मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल मेथड फॉर हाइपरकैलेमिया कंडीशन के अंदर क्या होगा, केक्जिलेट। सेकेंड वन इंसुलिन प्लस 50% डेक्सट्रोज क्या रहने वाला बच्चों, फास्टली रिलीफ फ्रॉम हाइपरकैलेमिया कंडीशन। कौन से कंडीशन थे बच्चों, हाइपरकैलेमिया की कंडीशन से फास्टली रिलीफ कौन दिलाएगा बच्चों, इंसुलिन प्लस 50% डेक्सट्रोज। ये कंप्लीट होता है हाइपरकैलेमिया की कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या अपन बोल सकते हैं अर्ली कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट वन अपन बात करने वाले हैं कार्डियक ओवरलोड या कार्डियक अरेस्ट।